अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं जी आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग है जी हमारा थाईलैंड के वीज़े के ऊपर। इसके बारे में आपको बताते हैं, आप वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा अप्लाई किधर होता है, इसकी फ़ीस कितनी है, डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं और आपने जाना कैसे है। अच्छा गाइस, सबसे पहले तो मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे आता हूँ। सबसे पहले तो इसमें एक चीज़ है, बाकी वीज़ों के आप ऊपर आपको पता है कि आप टिकट जस्ट रिजर्वेशन लगा देते हैं, डमी टिकट लगा देते हैं, आपका वीज़ा लग जाता है। लेकिन थाईलैंड में ये आपने मिस्टेक कभी नहीं करनी। एक तो इनकी एम्बेसी बहुत दूर है, जुमेरा में है। अगर आपने डमी टिकट लगाई वो सेम टाइम वो PNR चेक करते हैं, अगर वो टिकट शो नहीं होगी पूरे डॉक्यूमेंट आपके जाएँ, वो सीधा आपको बोलेंगे आपकी टिकट फेक है, जाके नई टिकट लेके आओ। अभी आते हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। डॉक्यूमेंटेशन इसकी बिल्कुल सिंपल है, 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, होटल बुकिंग, टिकट ओरिजिनल चाहिए, बस यही डॉक्यूमेंट, एक पिक्चर भी चाहिए, ये चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट भी आपने बैंक से लेनी है 3 मंथ की। ये लेके आके इनकी एम्बेसी में आपने चले जाना है, अपॉइंटमेंट लेके जाना, 2 से 3 दिन के बाद की मिल जाती है अपॉइंटमेंट, बिल्कुल फ्री है। 400 दिरहम इसकी फीस है। आपने जाना है एम्बेसी में, जुमेरा में इनकी एम्बेसी है, जाके आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने हैं। एग्जैक्ट 2 दिन के बाद आपका वीज़ा लग के आ जाता है। आज हम गए हुए थे जी, ये मेरा दोस्त है, इसका पहले जापान का वीज़ा लगा था, फिर इसने अभी ये थाईलैंड बैंकॉक में जाना है याशी करने, इसका वीज़ा भी लग के आ गया। आज हम जो है ना पासपोर्ट ले आए हैं। और आपको मैं एक बात बताता चलूं, आजकल इनका जो है ना स्टिकर वीज़ा इन्होंने चेंज कर दिया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत जो है ना इन्होंने, भाई ये थोड़ा वीज़ा निकालें, हम आपको वीज़ा भी दिखाते हैं। पहले इतना खास नहीं था वीज़ा स्टिकर, लेकिन अभी इन्होंने बहुत रंग बिरंगा जो है ना, ये देखें जी, हम थोड़ा नज़दीक नहीं कर सकते क्योंकि प्राइवेसी की वजह से वीडियो वो डिलीट हो जाती है। तो ये देखें जी, ये थाईलैंड का वीज़ा है दुबई से, बहुत प्यारा वीज़ा है, आप भी लगवाएं, ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बहुत ही ये स्ट्रॉन्ग कंट्री है। अगर आप अगर आप थाईलैंड, मलेशिया, एक दो कंट्री या उसके बाद आप इजिप्ट वगैरह में हो आते हैं, आपका शेंजन वीज़ा, इवन आप अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया का भी अप्लाई करेंगे, आपका 100% वीज़ा लग जाएगा। तो यही था जी, आप भी लाजम लगवाएं, 400 दिरहम इसकी वीज़ा फीस है। उधर था मैं तो ऑलरेडी बैंकॉक में होके आया हुआ हूँ, वो भी मैं आपको व्लॉग में दिखा दूंगा। बैंकॉक बहुत अच्छी जगह, घूमने की जगह, मज़े की जगह, हर चीज़ है उधर, तो आप जाएं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। घूमने की जगह, घूमने के लिए अगर आपने जाना तो फुकट जाना है, अगर किसी और मकसद के लिए जाना है तो आप बैंकॉक जाएं, जिस मकसद के लिए इसने जाना उस मकसद के लिए आपने नहीं जाना। तो यही था जी आज के लिए, इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैंने बोला था कि मैं आपको ऑस्ट्रेलिया और कौन सा वीज़ा, कोरिया के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो उसका मैंने अभी तक नहीं व्लॉग बनाया क्योंकि वो मेरा दिल है जब मैं ट्रैवल करूं तो उसी वक्त मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।